मुरादाबाद के कंपोजिट विद्यालय लोदीपुर राजपूत के सहायक अध्यापिका का राज्य पुरस्कार के लिए चयन होने पर विद्यार्थियों में अभिभावकों में खुशी की लहर है। अगर हम बात शिक्षिका सरिता चौहान की करें तो यह अध्यापिका बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पूरे मन से बच्चों को तालीम दे रही है। स्कूल के बच्चों में वह अपना अश्क देखती है और बच्चे भी सरिता मैम से अपने गार्जियंस की तरह ही डिमांड करते हैं। मैडम सरिता की अगर हम बात करें तो यह बच्चों की सारी डिमांड भी पूरी करती हैं। शिक्षिका सरिता चौहान का हाल ही में राज्य पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। सरिता चौहान के इस चयन से कंपोजिट विद्यालय लोधीपुर राजपूत के सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों और सभी स्टाफ में खुशी की लहर है और सरिता चौहान इसका श्रेय विद्यार्थियों, अभिभावकों और विद्यालय के अन्य स्टाफ को दे रही है। सरिता चौहान पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा जागृत करना चाहती थी और सरिता चौहान पहले भी कई अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है। सरिता चौहान 2016 से बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है। इस विद्यालय में यह वर्ष 2020 से तैनात है। उन्होंने 15 अगस्त 2020 को लार्सन एंड टू प्रो कंपनी के अधिकारियों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था, जिसे उन्होंने बच्चों से मिलवाया। इसके बाद बच्चों से प्रभावित होकर कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत 10 लाख रुपए दिए, जिससे स्कूल का कार्यकाल किया गया। इसमें दीवारों को सजाया गया, नक्षत्र प्रयोगशाला, दिव्यांग शौचालय आदि का निर्माण कराया गया। स्कूलों की दीवार पर न सिर्फ स्कूल की सुंदरता ही बढ़ा रही है बल्कि बच्चों का ज्ञानवर्धन भी करती है। सरिता चौहान ने बताया कि हम बच्चों को खेल खेल में कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करते हैं जो उनके दिमाग में एकदम फिट हो जाए और वह आसानी से उस कार्य को कर भी सके। इसी को लेकर मेरा चयन राज्य पुरस्कार में हुआ है। इसका श्रेय मेरे समस्त स्टाफ को जाता है। तो वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत संजीव कुमार ने बताया कि हमारे शिक्षा का राज्य पुरस्कार के लिए चयन हुआ है, हमें बहुत खुशी है। इसके साथ ही यह शिक्षिका बच्चों को पढ़ने लिखने में काफी मदद करती है। तो वहीं बच्चों का भी यही कहना है कि हमारे शिक्षिका हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और बहुत अच्छे से सिखाती हैं। मेरा राज्य पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। अच्छा, कब मिलेगा आपको ये? मेरे को 5 सितंबर को मिलेगा। अच्छा, तो मतलब क्या उपलब्धि ऐसी की है, क्या बच्चों को सिखाया है ऐसा जिसके लिए आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है? जो भी हमने सबसे अच्छा काम किया है, हमने कम्युनिटी के हेल्प के थ्रू बच्चों का एक इंट्रैक्शन लेवल बढ़ाया है और बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई है कि जो बहुत बर्डनसम सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैसे बहुत अच्छे वे में या खेल खेल में हम सिखा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हमने लर्निंग बाय प्लेइंग एंड लर्निंग बाय डूइंग दोनों पे फोकस किया है। और बाकी किसका सपोर्ट रहा इसमें? इसमें पूरा मेरा स्टाफ, मेरी हेड मैम, प्रधान, हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं उन सबका सपोर्ट है, क्योंकि उनके बगैर मेरा यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल था। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं इस ब्लॉक में ARP के पद पर कार्यरत हूँ। जी, ये मैं कहना चाहूँगा कि जो सरिता देवी जी को इस समय स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है तो ये हमारे सभी के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है और इससे जो है हम जितने भी हमारे ब्लॉक में कार्यरत शिक्षक हैं सभी को मोटिवेशन मिलेगा और इससे हमारे जो है ज़िले का नाम तो हुआ ही है, हमारे ब्लॉक का नाम हुआ है और लोदीपुर राजपूत का नाम हुआ है। तो इससे सभी स्टाफ में एकदम से खुशियाँ हैं और हमारे जो साथी अन्य शिक्षक हैं वो निश्चित रूप से मोटिवेट होंगे और इन्हीं की तरह जो है प्रयास करेंगे कि जो है आगे चल के वो भी आगे पुरस्कार के फहरिस्त में शामिल हो और जो है हमको भी मौका मिलेगा कि हम जब भी स्कूलों में जाएंगे तो सरिता मैम का उदाहरण देंगे सभी शिक्षकों को कि वो भी उनकी तरह विद्यालय को जो है एक अच्छा एटमॉस्फेयर दें, एक अच्छा एकेडमिक जो अप्रोच है वो बच्चों तक पहुंचाएं। यही सब जो है बहुत अच्छे प्रयास रहे हैं मैम के और इसलिए जो है उनकी मेहनत के लिए उनको ये